नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो बानी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम आपको बताने वाले हैं फोटो के द्वारा किए जाने वाले वशीकरण के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तंत्र की जो विद्या होती है या तंत्र की दुनिया में इस तरीके के वशीकरण हो गया या आकर्षण करना हो गया, ये चीजें के बारे में बताया जाता है। लेकिन आपको ये चीज बता दें कि इस चीज को यूं ही कर लेना या इस चीज को सोच कर लेना कि हम टाइम पास पर्पस के लिए कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और किसी गलत इंटेंशन के साथ कि आपकी सोच ही गलत है, और सोच गलत का मतलब आज के जमाने में हर एक व्यक्ति जानता है, उसको खुलकर बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फोटो के द्वारा वशीकरण कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बात है कि आप किसी को पसंद करते हैं और वह आपकी बात को समझ नहीं रहा, वह आपके प्रेम को नहीं समझ रहा है, तो आप इस चीज का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही गलत इंटेंशन है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में आ जाए ताकि आप कुछ गलत संबंध उनसे बना ले या कुछ गलत सोच है आपकी आगे जाकर, तो इस चीज का बुरा असर सीधा सीधा आपको आपकी जिंदगी में देखने को तो मिलेगा ही। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से सच्चे दिल से प्रेम करना चाहते हैं, हर तरह की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वह व्यक्ति आपको समझ नहीं रहा, विवाह कराना चाहते हैं, उम्र भर उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं, रह सकते हैं और आप उसके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आने देंगे, कोई भी दुख नहीं आने देंगे, ऐसा अगर आप कर सकते हैं और उस व्यक्ति के बिना जीना मुश्किल है, तो आप ये उपाय करेंगे। और दूसरी बात, ये उपाय सिंगल लोगों के लिए है, क्योंकि कई तरह के मैरिड लोग भी हैं जो मतलब हमें कमेंट करते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो आप ये नहीं करेंगे। सिंगल लोगों के लिए ये है जो किसी से प्रेम करते हैं और विवाह करवाना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं कि आप कौन से तरीके से ये उपाय कर सकते हैं जिससे कि वह व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा, वह व्यक्ति आपके प्यार को समझने लगेगा, मानने लगेगा और पूरी जिंदगी आपके साथ रहना चाहेगा। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि अगर आप हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ, जिसमें हम बताएंगे फोटो के द्वारा आप ये उपाय कैसे कर सकते हैं। ये उपाय को लगातार आपने 41 दिनों तक करना है, ये याद रखे, शाम के वक्त करना है और जमीन पर बैठ जाना है। जमीन पर बैठ कर उस फोन के द्वारा उसकी फोटो लेनी है और उसके साथ ही आपने एक इत्र रख देना है। कोई भी आपको इत्र पसंद हो, कोई भी इत्र पसंद हो, वह आपने उसके पास रख देना है, फोटो के पास या फोन में फोटो निकाली है तो उसके पास, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। 41 दिन तक करना है शाम के समय, जिस समय पहले दिन उपाय किया था उसी तरीके से उसी समय आपने 41 डेज तक वो उपाय करना है। अब आपने क्या करना है, फोटो को देखते हुए उस व्यक्ति का नाम ही पहले आपने 40 बार लेना है। उसके बाद आपने जो मंत्र होगा वह भी 40 बार बोलना है फोटो को देखकर। पहले व्यक्ति का नाम 40 बार, फिर आपने मंत्र को 40 बार बोलना है। आपने बोलना है ओम वश्यम मोहितो स्वाहा, ओम वश्यम मोहितो स्वाहा, ये आपने बोल देना है। मंत्र को डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। तो पहले व्यक्ति को 40 बार नाम बोलना है व्यक्ति को देखकर, फिर व्यक्ति को देखकर 40 बार ही आपने मंत्र बोलना है शाम के समय। और जो इत्र आपने पास रखा होगा, जो भी आपको पसंद है इत्र, उसको भी डेली लगाना शुरू करें। अपने कपड़ों में लगाएं, अपनी बॉडी में लगाएं, जहां पर भी लगा सकते हैं लगाएं, और हर रोज कोशिश तो जरूर करें कि उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात होती रहे, बातचीत होती रहे। नहीं भी बातचीत हो रही तो उससे मुलाकात हो, उसके आसपास से गुजरे, आई कॉन्टेक्ट आपका ज्यादा से ज्यादा हो, ये चीज की कोशिश आपको करनी है इस वीडियो के साथ। तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति धीरे धीरे आपसे प्रभावित होगा, आकर्षित होगा और आपके प्रेम में पड़ेगा, जीवन भर का आप दोनों का साथ जुड़ जाएगा। वह इत्र को आपने रोज लगाना है, जो इत्र आपने इस प्रक्रिया के द्वारा आपने पास रखा है। तो इसी के साथ इस वीडियो के यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।